वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, गैस टीचर्स के प्रदर्शन और उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया दी है, तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर भी सीएम मनोहर लाल ने निशाना साधा। मुझे लगता है कि एक ट्रक के लोगों की जो डिमांड है कि जो नए कानून में एक प्रावधान किया गया है उसके कारण से जो पैनिक है वो नहीं रखना चाहिए। वो तो इसलिए है कि कहीं कोई कई बार इस बात का जो लाभ उठा करके कुछ एक्सीडेंट करके जानबूझ करके भी एक्सीडेंट चाहे करते होंगे तो भी दौड़ते थे भागते थे, सजा उसमें कम थी, शायद 2 साल की सजा उसमें थी, तो अब उसमें कानून को थोड़ा सख्त किया गया 10 साल की सजा। इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर कोई कोई किसी से गलती हो गई चूक हो गई है तो उसमें प्रावधान उसमें नहीं होगा, उसमें प्रावधान उसके भी होंगे। अगर कहीं किसी प्रकार की लापरवाही होगी तो ये सजा जो है उसके ऊपर लागू होगी। इसको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझा उस कानून को उसका ये अर्थ है। फिर भी अगर कोई बातचीत तो बातचीत करके उस मामले को सॉल्व करेंगे। सर हरियाणा के अंदर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि लोगों को पेट्रोल और डीजल जो है वो अभी 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 पेट्रोल अभी अभी आज रात को बैठ करके हम समीक्षा करेंगे कि इसकी कितनी समस्या है, उसका कोई ना कोई हल तो हर एक चीज का निकलता है। अगर पेट्रोल डीजल की भी कोई कमी आएगी तो उसको पूरा करने के लिए प्रावधान किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा क्या करें क्या नहीं करें हैं मुझे तो इतना पता है कि जिन गैस टीचर्स को उनकी नौकरी के बारे में लाले पड़े हुए थे और घूम रहे थे उस समय इन्होंने कभी भी उनकी चिंता नहीं की। और हमने हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट के ऐसे जो आउटसोर्सिंग के लोग थे गैस टीचर्स थे उनको 58 साल तक की नौकरी पक्की की है, तो नौकरी पक्की करने देने का काम हमने किया। आज चुनाव के समय इस प्रकार की और नई नई बातें उठाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई एटिकेट्स के नाते से भी अच्छा नहीं है। हमने उनकी नौकरी पक्की की है और केवल गैस टीचर ऐसा है जो आउटसोर्स में जिनकी पक्की की है, बल्कि गैस टीचर्स की बात को देखते हुए अन्य कर्मचारी भी वैसा कर रहे हैं। हालांकि ये जो गैस टीचर्स का प्रावधान किया गया था पक्की नौकरी का, इसको भी कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा सावधानी से और सहजता से और धैर्य से काम करेंगे तो सचिव घोषणाएं गोहाना रैली 2013 में उन्होंने बहुत की थी। अगर आपको कोई अखबार मिल जाए उस समय की और पन्ने आप उठा के देखेंगे तो 2013 में बहुत घोषणाएं की थी। वो कह रहे हैं कि 75 साल का हो गया हूँ, आखिरी बार टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ टक्कर क्या, वो अगर 75 साल के हो गए प्रभु उनकी आयु लंबी करे, लेकिन ये सारे काम करने के लिए कोई एक व्यक्ति विशेष करता है ऐसा नहीं है, एक सिस्टम करता है, एक विचारधारा करती है, तो सिस्टम में उनके साथ और बहुत लोग हैं। अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो कांग्रेस में इतने सारे और बहुत लोग हैं, उन्हीं को क्या जरूरी था टक्कर उन्हीं को लेनी है, कांग्रेस पार्टी से नाते से आए ना मैदान में। ठीक है, मुझे लगता है कि